डीजीपी के निर्देश के बाद रायपुर रेंज के 5 जिलों में क्राइम ब्रांच और विशेष अनुसंधान सेल को भंग कर दिए जाने के बाद उनमें पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को मूल शाखा में भेजा जा रहा है। रायपुर एसपी के अनुसार इसके चलते स्थानों में भार तो बढ़ेगा, लेकिन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली को देखते हुए थानों में ही उन्हें चार्ज भी अलग से दिया जाएगा। रायपुर रेंज के 5 जिलों में क्राइम ब्रांच और राजधानी रायपुर में आर्थिक मामलों की जांच के लिए गठित विशेष अनुसंधान सेल समेत इससे संबंधित सभी स्पेशल जांच यूनिट के भंग के आदेश जारी होने के बाद क्राइम ब्रांच ने पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। क्राइम ब्रांच द्वारा सबसे अधिक मामलों को खंगाला जा रहा था, लेकिन यूनिट के भंग होते ही सैकड़ों जरूरी मामलों की जांच अधर में लटकते दिखाई दे रही है, जिनमें चिटफंड कंपनियों के फर्जीवाड़े, अनसुलझे हत्याकांड, लूट, डकैती, एटीएम फ्रॉड, साइबर क्राइम से जुड़े बाहरी गिरोह की पड़ताल सहित कई ऐसे मामलों के निराकरण में देरी की संभावना बढ़ते दिखाई दे रही है। अब रायपुर जिले के सभी थानों में थानेदार पर सबसे ज्यादा दबाव रहने की बात भी सामने आ रही है। गौरतलब है कि राजधानी रायपुर में क्राइम ब्रांच 35 साल पहले अस्तित्व में आया था। सबसे पहले वर्ष 1991 में गंज थाना और सिटी कोतवाली में 12 से 14 स्टाफ एक हाल नुमा कमरे में बैठता था। उसके बाद वर्ष 1995-96 में नलघर चौक के पास एक सरकारी भवन में दफ्तर शिफ्ट हुआ। फिलहाल वह भवन जमीन दोज हो चुका है। उसके बाद सिविल लाइन थाना परिसर में क्राइम ब्रांच का दफ्तर शिफ्ट हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद क्राइम ब्रांच का स्वरूप बदला। स्टाफ बढ़ने के साथ ही एएसपी, सीएसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को क्राइम ब्रांच की कमान सौंपी गई। फाफाडी स्थित गंज पुलिस थाना परिसर स्थित नए भवन में क्राइम ब्रांच का अमला शिफ्ट हुआ। वर्तमान में एडिशनल एसपी की कमान में डीएसपी निरीक्षक समेत 80 अधिकारियों कर्मचारियों की टीम कार्यरत थी। क्राइम ब्रांच और एसआईटी को भंग किए जाने को लेकर नौ पदस्थ एसपी नीथू कमल ने कहा कि क्राइम ब्रांच के जो कर्मचारी या अधिकारी मूल शाखा में जोड़े गए हैं, उन्हें थाने में पदस्थ किया जाए और उनके कार्यशैली के आधार पर उन्हें विवेचना में भी लाया जाएगा, ताकि जिले में क्राइम को रोकने में पुलिस को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि थाने में इसका भार जरूर पड़ेगा। आपकी अपराध की विवेचना को लेकर थाने में जो क्राइम ब्रांच को भी भंग कर दिए हैं, तो उन लोगों में से कुछ कुछ अच्छे लोग एवं थाने में जो अभी पदस्थ विवेचकों को भी मतलब अपना दायित्व और बढ़ेंगे और वो लोग अपने दायित्व के अनुसार उसके विवेचना एवं क्राइम के निकाल करेंगे। क्राइम ब्रांच और एसआईओ के भंग करने के पीछे पुलिस वालों पर लग रहे रकम वसूली और अन्य आरोपों को भी माना जा रहा है। अधिकारी कर्मचारी अब भी अपने मूल पदस्थापना स्थल रक्षित केंद्र या पुलिस थाने में जाकर जल्द ही आमद देंगे। देश टीवी के लिए कैमरामैन एस गणेश के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।